वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेक टोस्टर। वैसे तो गाइस मैं अभी ये वीडियो शूट करना नहीं चाहता था, लेकिन आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ। मैंने अभी तक इस वर्ल्ड में ऑफ कैमरा क्या के किया है। तो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया था, जैसे मैंने बोला था कि मैं इसको कट कर दूंगा, यहाँ तक था कुछ, मैंने इसको यहाँ तक काटा। बहुत सारी डर्ट कलेक्ट हुई है इसमें करने में, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 बॉक्स छोड़े और बाकी मैंने कट कर दिया। और आप देख सकते हैं इस चेस्ट में जितनी डर्ट कलेक्ट हुई सारी की सारी रखी हुई है। और गाइज अब मैं ये इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली अपनी वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाना था, लेकिन मैं ये इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी लेने जाना है कोबलस्टोन माइन करने। ये देखो आप अभी देख भी सकते हो, डॉट अभी कन्वर्ट भी नहीं हुई, अभी अभी किया है, कन्वर्ट हो रही है आपके सामने। ये मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कोबलस्टोन बहुत सारा अपने घर बनाने के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाओ देख के, ये मेरी गारंटी है। ये वाले पहाड़ पे चढ़ के आपको एकदम क्लियर दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा कि मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। तो अब यहाँ से आपको मेरे ख्याल से क्लियर भी दिखेगा। अब आपको वो चीज दिख रही है ना जिसको हम समझ रहे थे कि यार ये एक लकड़ी है जो टेढ़ी गिरी पड़ी है, मुझे तो यही लग रहा था। लेकिन ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल पूरा एक विलेज का हट है। और मैं वहां पे जाके देख के भी आ चुका हूँ, मतलब मैंने कोई ट्रेड वगैरह कुछ नहीं किया, कोई चेस्ट नहीं खोली, बस मैं वहां जाके देख के आया कि यार ये विलेज ही है ना, कोई और चीज तो नहीं। क्योंकि विच कार्ड भी होता है, वो मुझे नहीं पता यार कहाँ स्पॉन होता है, तो वो मैं देखने गया कि वो तो नहीं है। क्योंकि टाइगर बायोम में मुझे पता है विलेजेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, लेकिन हमें मिल गया यार, हमारा वर्ल्ड अजूबा ही है, मिल गया। और एकदम ये है मेरा घर, और घर भी नहीं कह सकते यार, क्या यार छत भी नहीं है यार, ये घर घोड़ा भी घूर रहा है मेरे को। और ये रहा हमारा विलेज, और हमने यहाँ से लेके आने विलेजर्स, विलेजर्स लेके आने के लिए यार हमें चाहिए एक सीधा रास्ता, सीधा रास्ता चाहिए हमें, है ना। तो सीधा रास्ता हमें ऐसे सीधा सीधा बनाना पड़ेगा, और डर्ट की 2 लेयर्स बना के शायद मैं बना पाऊँ सीधा रास्ता, बाकी मुझे पता नहीं यार रेल्स भी मैं बना पाऊँ। आयरन तो यार मेरे पास पड़ा ही है, देखो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इधर आयरन लगाया और उसके बाद आयरन मिलता रहेगा। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार वहां से विलेजर्स यहाँ कैसे लेके, मैं वहां पे गया, मुझे ज़ॉम्बीज ने मुंह तोड़ दिया मेरा, मैं वापस आ गया भागा भागा, और स्केलेटन्स भी बहुत सारे थे, रात हो गई थी, मुझे वहां पर सो जाना चाहिए था। लेकिन मैं वहां पर टॉर्चेस लगा के आया हूँ, कितनी सारी, बहुत सारी टॉर्चेस लगा के आया हूँ इस साइड में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। मैं तो ये देख के हैरान कि विलेज जिंदा कैसे रहता, कितने सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। तो उसको तो यार अब हम छोड़ते हैं, वो तो मैं वीडियो के बीच में ही करूंगा, अभी बस ये मैं ऑफ कैमरा वाला काम है, इसको मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको, मतलब यार अब मैं आपको दिखा हूँ। अब मैं माइनिंग करने जाऊंगा नीचे, मैं आपको बता देता हूँ मैं कैसे माइनिंग करूंगा। मैं माइनिंग करूंगा अपनी, जैसे मैं डायमंड माइन करूंगा ना, उसी तरीके से मैं स्ट्रिप माइनिंग करता जाऊंगा, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे कोबलस्टोन भी मिलेगा, मुझे डायमंड भी बहुत सारा मिलेगा। लेकिन अब मैं आप ये सोच रहे होंगे कि तो रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बाद में अगर मेरे को कोई स्केलेटन का स्पॉनर मिल गया, सब मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो भैया आप लोग तो मानोगे नहीं, आप लोग कहोगे तू क्रिएटिव मोड में गया, तू ऐसे किया, तू ऐसे किया। ये देखो भाई गेम मोड कुछ लिखा ही नहीं आ रहा, गेम मोड क्रिएटिव, ये मैंने डाल दिया यार, एंटर कर दिया भाई, लिखा ही नहीं आ रहा कुछ, ये पढ़ लो क्या लिखा आ रहा है, अननोन और इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि मैंने चीट सॉफ्ट किए हैं, ये हो ही नहीं सकता। और गाइस मैंने बहुत सारा, मतलब बहुत सारी कलेक्ट करनी है इसलिए, और ये मैंने शेयर्स बना लेते, शेयर्स किधर है, ये पड़े शेयर्स। और जो हमारा फार्म है ना वो बहुत अच्छी यील्ड कर रहा है, हमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है सब कुछ, और उससे मुझे सब कुछ मिला, आप देख सकते हो कितना कुछ मिलता रहता है उससे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये लगाने के बाद ना एक इससे साइन बना लूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, बहुत अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में। साइन मैंने 2 बनाने थे, चलो 3 बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं इन साइन का क्या करने वाला हूँ, आधे लोगों को तो समय लग गया होगा मुझे पता है, और मुझे पक्का भी नहीं पता होगा कि हाँ हो गया भाई, बस ये करना है। अब तो आपको समय लग गया ना, वो रहा हमारा पानी, जब भी हमें नीचे आना होगा, एक साइन मैंने लगा दिया है, मुझे लगा था मुझे 2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन काम हमारा एक नहीं होगा, यहाँ भी इस साइड में एंटर बनाना। और अब भाई मैंने आपको बता ही दिया कि मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं अब डायरेक्ट करने वाला हूँ माइनिंग। एक तो मैंने लगा दिया वो फुली और कलेक्ट कर दूंगा, लेकिन यार पहले विलेजर्स के लिए सेफ हमें जगह बनानी है, उसके बाद ही हम जो मर्जी कुछ करें।
लेकिन अब सबसे पहले तो यार मुझे पिकेक्स चाहिए, कम से कम 2-3 पिकेक्स मुझे लेंगे। आयरन की सूड नहीं, डायमंड की सूड ले जाता हूँ। अब यार चलते हैं डायरेक्टली नीचे, और अब तो हमारा जुगाड़ भी हो चुका है। ये करना चाहता था मैं, बस यार ऊपर जाने की मेहनत लगे, नीचे आने में क्या है। ये वाला एरिया तो आप तो पता है यार, हमने खोल दिया था पूरा, लेकिन अब हमने डायरेक्ट ऐसे सीधे जाइए ना, रुकना थोड़ी है। अब बस मैंने माइन करते जाना, अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज आई बीच में। ओ भाई 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 भाई, अरे भाई कार्ट रेट 100। ओ आ गया आ गया आ गया। अरे मैं किधर मर रहा हूँ, ग्रेवल में मर रहा हूँ भाई। क्या क्या ये एंडरमैन में क्या कर ले, लेकिन यार डर तो लगता ही है यार। क्या क्या हो क्या रहा है ये मेरे साथ। टॉर्चेस में लगा रहा हूँ तमीज में, आगे तुम तोड़ रहे हो, अकल नहीं है तुम्हें। दो थोड़ी थी वही बहुत खतरनाक जगह है यार। टॉर्चेस लगा लो सबसे पहले, टॉर्चेस कम पड़ेंगे अभी कह रहा हूँ। तो तीर मार ले पहले कुत्ते कहीं के सामने, यहाँ अभी तेरा कुत्ता बनाता। और लैपिस लजूली चाहिए थी मेरे को, मिल गई, लेकिन तू कुत्ते लुटो भी यहाँ से ही मार। अबे कौन सा एयरपोर्ट लगा के बैठा है, सारे के सारे तीर मार रहा है भाई। डायमंड आर्मर का होता तो है फायदा मेरी, लेकिन वो किधर थी पिकेक्स। अरे मुझे याद आया, मैंने पिकेक्स फेंक दी थी, नहीं टूट गई थी, फेंक दी थी। तू पानी में छुपा रहा है, कोई नहीं, आयरन इसी काम के लिए लाया हूँ। बस रास्ता याद रखना है, मैंने आया किधर से था, जो मुझे लग रहा है मैं अभी भूल चुका हूँ। अरे किधर से आया था, टॉर्चेस लगी हुई ना, अरे इधर भी टॉर्च लगी हुई है। तुम आ जा बल्ले कुत्ते के लाल, किधर था यार, किधर से आया मैं, क्या स्कैम हो रहा है मेरे साथ। ओ किधर से आ रहे हैं इतने, भाई नहीं 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 भाई नहीं 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 भाई नहीं, थैंक यू भाई बचा लिया तुमने मेरे को भाई। बहुत खतरनाक मूवमेंट था, मैं मर ही गया था लगभग, इतना बड़ा नुकड़ा होगा मैं क्या बताऊँ तुमको। बस यार ये जगह प्रोटेक्ट हो जाए एक बार। अरे हाइट क्या है मेरी पे, 11 अब पहुंचा। अच्छा मुझे जहाँ तक याद है मैं 11 से माइन कर रहा था, और फिर ये कैसे हो गया यार, मैंने खाना होगा फिर हाथ कामना शुरू हो गए थे मेरे। मुझे लगा था बस मैं गया लैपिस लजूली चाहिए ना मेरे को, लेकिन मेरा कहाँ गया यार आयरन की पिकैक्स। अगर कुछ भी ना मिला मैं डायरेक्ट ऊपर घूम के डायरेक्ट ऊपर चले जाऊँगा। मुझे सच्ची बता रहा हूँ कुछ याद नहीं आ रहा भाई, मैं किधर से आया। टॉर्चेस पे टॉर्चेस, अरे स्लाइम, पानी किधर से आ रहा है यार, इतना पानी कहाँ से आया था यार मैं। तो नीचे बता है बेटे, नीचे आके मारो, तो मार कहाँ से रहे बे ऊपर। अरे घूम रहा स्केलेटन पे, मैंने इतना दिमाग खराब करके रखा हुआ ना मेरा भाई, क्या बताऊं। अरे यार एक तो पानी दिमाग खा रहा है, एक तो यार मेरे पास वो नहीं है अब पिकेट्स, वो आ गया जल्दी। वो आएगा आप देखना, पंगे लेने आएगा जरूर, मुझे पता है यार। एक्स में तो हिट में मर जाता है, इसमें ज्यादा लगाते हैं। ओ याद है यार मुझे लैपटॉप भी लेनी है। एक तो यार इसको आगे करो यार, इसको क्लिक करने में इतना टाइम लगता है, इधर इसको किधर रखूँ, इसके जगह रख देता हूँ। क्या घूम के क्या यार ये घूम के, ओ भाई 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 भाई
आया हूँ यार, आयरन आयरन लेके जाऊंगा। चमगादड़ बीच में अगर घूम रहा है तो और चीज भी कम करना। ओ भाई मिल गया, मैं कहाँ से आया भाई, मिल गया मिल गया मिल गया। कोऑर्डिनेट्स है 390 और 1, 390 बस, 390 और 1। पर इसका इतना डैमेज नहीं जा रहा यार, चमगादड़। और मैं मरी ही नहीं यार, डायमंड के स्वॉर्ड चंगा। और दो में भी नहीं मरा यार, तीन में भी नहीं मरा, चार में मरा भाई, चार में। अरे मजाक बना के रखा है डायमंड की स्वॉर्ड का, जो भी भाई बहुत खतरनाक सीन हुआ था मेरे साथ। लेकिन हमने सह लिया यार आराम से, इतने मुद्दा नहीं है, स्केलेटन ने हमारा ही साथ दिया। चलो भाई ये गुफा का तो डेड एंड आ गया इस साइड से। अब हमें यार गोल्ड भी लेना है यार, अगर मेरे पास डायमंड का अंदर ना होता तो क्या मैं जिंदा घुस पाता पता नहीं यार। रेड स्टोन भी बहुत सारा चाहिए, क्योंकि यार हमें वो बनाने होते हैं, क्या नाम उसका, पिस्टन वगैरह बनाएंगे यार। अभी तक कुछ किया नहीं, करेंगे जरूर। वैसे वो आए तो लगा ही था कि मैं मरूंगा मरूंगा, लेकिन यार अपना स्केलेटन अपना दोस्त है, पता नहीं यार क्यों हो जाया उससे मेरे को। पार्टी बदल ली एंड में आगे, उसने जोम्बी को मार दिया, जोम्बी चिपका पड़ा था भाई मेरे से, जोम्बी दौड़ा दौड़ मार ही जा रहा था, मार ही जा रहा था बंदा भाई। एक सेकंड पहले तो उठ गए भाई, बस ये है कि अपनी हेल्थ फुल रहनी चाहिए और कोई प्रॉब्लम। आयरन है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, कितना सारा कुछ है। बस मैंने ऐसा, मैं चाहता हूँ कि ये गुफा ऐसी चमक जाए ना कि इनके आंखें फट जाए, जब तो ये ना तो भी बाहर आ गए। ओ आगे बेटे, अरे गलती से एंडरमैन को मारने लगा था भाई मैं, अगर मैं एंडरमैन को मार देता ना भाई, कुत्ता बना देता मैं। तुम बेटे लावा में जल, लावा में जल ना, कल मर गया भाई। भाई ढूंढने में डायमंड आया, आके इधर माइनिंग करना शुरू हो गया। मून का चिपक जाए एंटर में, नहीं यार ये जगह सही नहीं। अरे एंटर में तो लगेगा पत्ता, सिंपल बात है, अब तो ब्लॉक लगा दूंगा। और जिसकी पहले तैयारी कर लो, क्योंकि एरिया तो कम नहीं है, तो एंटर में उधर खड़ा हो गया। क्या है भाई इसके हाथ में, पता नहीं क्या है इसके हाथ में। अरे एक और है, ओ नहीं जगना जाना, पानी डाल दो भाई, इतना बेला हूँ। कोऑर्डिनेट्स है मेरे 391, बट कुत्ते बट सील लो, खत्म होने वाली है यार सील, बना लेता हूँ अभी, बना लूंगा 2 मिनट लगने। एक सील यार 2 सील बना के रख लो, काम तो आती नहीं, अभी अभी नहीं आएगी, बाद में आ जाएगी। रख लूंगा अपने चेस्ट में भाई, कैसे थोड़ी सी महीने तो गरीब तब भी आती है, कर ही देता है चल सिस्टम भाई। हाँ मार मार, थैंक यू मार। अब आ चुका है पानी, यहाँ पे निकल मौसम घटिया लग रहा है। सबसे पहले तो मैं पानी के बंद करूँगा, टॉर्च लगा लूँ, बस नीचे चलते हैं धीरे धीरे। और दिखे वो आ गया, चल मर। चलो ये यहाँ पे खत्म, यहाँ पे क्या हुआ, एयरबंड तो लगा रहा हूँ, जितनी मर्जी भी करो अंधी बढ़िया अंधी। आयरन तो मैं बहुत सारा लगा ले के लगा, अब पहुंचा कहाँ लोगे पास, नहीं ये तो बहुत बहुत आयरन कितना हो गया भाई कलेक्ट, 15। अभी मैंने 2-3 यूज भी करा है। अरे मैं शील्ड अपनी बेस पे नहीं कर रहा, एक एक पर बैठा रहा काम पे, तो मैं शील्ड देखना तो पड़ेगा यार कुछ है कैसे। कोऑर्डिनेट्स मेरे 26 आ रहा है, माइंड शॉट ना मिल जाए मुझको। आ जा बेटे आ जा, यार देखो मेरे को ज़ॉम्बी से वगैरह से कुछ डर नहीं लगता, बस जब इकट्ठे हो जाते हैं ना फ्री में बहुत दिमाग चाड़ते हैं सही में। स्टोनर मामा हो क्या, इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, सच कह रहा हूँ
इतनी टॉर्चेस भर दूंगा, इतनी टॉर्चेस भर दूंगा बेटे, स्पॉन का शब्द ही भूल जाओ तुम, स्पॉन होता है। आ जा बेटे, तुम मेरे को इतने इतना ज्यादा होना चाहिए लड़ने में, ऊपर से नीचे आ गया भाई लड़ने के लिए। ये कौन सी जगह है यार? ओ वहां पे टॉर्चेस लगाई, मतलब हम घूम के वहीं पे आ रहे हैं, मतलब हम सक्सेसफुल हो रहे हैं धीरे धीरे पूरे के पूरे एरिया को स्पॉन प्रूफ करने के लिए, उसके बाद हम जब मर्जी आए तो इश्यू नहीं है यार। बस ये है कि पीछे से कोई आना जाए, स्केलेटन मारे तीर और मैं जब लावे में पटक। ये एरिया कैसे बच गया? हाँ मुझे ये पता था कि तू ये ऐसे ही करेगा बेटे, क्रीपर पटक। बेटे अब तो तूने हद बार कर दिया, मर तू। मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता भाई मेरे मुंह पे क्रीपर फटे, लेकिन फट गया था फिर भी। देखो मैं एक बार बस इस पूरे एरिया को ना स्पॉन प्रूफ कर दूं, बस वही इनके हाथ से तो खेल इनका गया, कुछ करके दिखाए। और मैंने ये क्या क्या कर दिया यार, सारी टॉर्चेस बना डाली, तीन स्टिक्स रह गई सिर्फ, लकड़ी लेके आने का फायदा हो गया। इतने ध्यान दो यार, यार एक तो मैं पता नहीं मेरा प्लेयर ना, जैसे मुझे नहीं पता यार प्रॉब्लम मेरे साथ होती कि नहीं, एक जंप मारता है साथ ही स्लो हो जाता है बस। यार ये क्रीपर बाबू, अबे मैंने मारा ही नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, तो ऑटो जंप वाला ना कभी कभी तो नुकसान करता है। मार दे चल जा, अबे मेरी बारी तो आ लंदे, मारने के बोल रहा लेकिन बारी तो पता नहीं। तो यहाँ से पानी बदल रहा है, ये बड़ा बढ़िया सीन होता है। देखो यार क्या ही सीन है, क्या सीन है पर। अरे एमरेड, चलो मैं माउंटेन के नीचे आ गया यार, एमरेड माउंटेन्स के नीचे मिलता है और ये बहुत बढ़िया है वो पालू। इसको मैं इतने के लगा रहा हूँ भाई, इतना मिल नहीं हूँ मैं। अरे तो और दूंगा यार, अब मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, सबसे पहले तो यार पानी बंद करो, हंड्रेड ब्लॉक तो होते ना, धूल भी तो होते हैं और जिस वैसे से धूप पड़ेगी नहीं यार, लेकिन हमें सूट्स तो चाहिए ना, खाना वगैरह पकाना कि नहीं। और ऐसे पकाते पकाते हमारी गुफाएं खुलती रहती हैं, आपको तो पता ही है इतने नल्ले लोग हैं, देखते थोड़ी हैं कि किधर जा रहे हैं। क्या कितना दिमाग खाओगे बेटे तुम्हें, आयरन के नहीं है आगे दो तीन तीन। पीछे से भी मारा भाई बेटे, मैं तुम्हारा घर तुम्हीं से छीन लूंगा, तुम घूमते रह जाओगे भाई, क्या कर गया बंदा आके। यार कितने हैं, थकते नहीं हो तुम मर मर के, एक ही तो तुम्हारा मुंह है, पता नहीं कितने रिस्पॉन होंगे, मतलब ये तो रिस्पॉन होते नहीं। देखो मेरे को लावा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैंने लावा रखना ही नहीं है भाई, तुम्हारा दे रहा थोड़े थोड़े नीबू क्रीपर्स में हो गया यार। मैं पता नहीं क्यों मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मेरे को ब्लॉक से नहीं तोड़ रहा, इसलिए मैं इसको स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में लगा रहा हूँ अच्छे। लेकिन यार ये गुफा आया, हम अगली बार आएंगे ना तो हमें नहीं दिक्कत थी ये भाई, प्राइवेट गुफा है यार, नहीं दिक्कत चाहिए।
वही बस स्पीड बोल रहा था अपना। अरे तू तीर मार दे स्पीड आ भाई, दो तलवार की जान नहीं तुमने, तुम पहले आके लड़ लो मेरे से। भाई देखो जो मर्जी करो बस स्पीड में आ गया, मैं ऊपर आ गया भाई। और ऊपर अरे हाइट क्या हो रही है मेरी, 28 जा रही है, 69 थी मेरी हाइट। हाँ 69 तो भाई बन जाएगा, ये खत्म है क्या? और है यार जाके पड़ेगा, कितना दिमाग चाहते हैं। बारी बारी हो गया यार, इतनी इतनी जल्दी नहीं करनी कोई मरने की। 25 लेवल हो गया यार, मरना नहीं। अरे बेबी ज़ॉम्बी बड़ा खतरनाक होता है, बेबी ज़ॉम्बी बड़ा खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। इसके लिए एक ब्लॉक तो तोड़ना ही पड़ेगा मेरे को। आवाज देखो बेटे जाके टॉम ग्रैंडी के बड़ा होके यार। यार मुझे एक चीज था ना, बेबी जो कभी बड़े होते हैं इस गेम में। मर गया। अबे अबे कौन से बड़े से गैंडे की बात है, पूरा एक स्केलेटन है ना। अरे मैं उधर अभी तो टॉर्च, यार उधर टॉर्चेस लगी कैसे स्पॉन हो गए तेरी ये हिम्मत भाई, मेरे इलाके में स्पॉन हो गए ज़ॉम्बी विलेजर है। मैं भी कहूँ पता नहीं कौन सा ढंसा है, इतनी भारी बारिश की यार। देखो मैं पूरा घूम चुका हूँ अच्छे से एक बार, लेकिन अभी भी यार थोड़ा थोड़ा रह रहा है। काम करते हैं भाई, इधर डालो ये इधर डालो। ओ है मेरे पास, क्या कर रहा हूँ मैं, हल्का सा। ओए ओ आ गया आ गया आ गया। अरे तू तू इतनी लाल आंखें लेके तू बैठे, तू कैसा घूमने मिले जा रहा है, मर जा भाई। पढ़ाई नहीं भाई करो क्या, जम्बी बन गई। अरे यार मैं क्या करना, छत्रों में खिलाड़ी बन। अरे अंडरमैन, अरे ये रहा भाई अपना जम्बी, दो दो पड़े हैं। नहीं भाई 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 भाई, तुमने देखा नहीं यार जो मेरे साथ हुआ ना, थोड़ा गंदा ही हुआ यार। मुझे नहीं लगता मैं जितनी मर्जी टॉर्चेस लगा लूँ ये सब रुकने लगे हैं, स्पॉन होने से मेरी हार्ट बीट इतनी तेज चल रही है भाई साहब। क्या होता है इधर ही क्रीपर सूटा, इधर भी घूम रहा है ये, इधर ही है ये। आ जा बेटे आ जा, मर जा, तुम्हारी तो बेटे को तो आते नहीं। आ जा यार इधर सीधे सीधे, अरे इतना सा इलाका है बस, इधर कैसे स्पॉन हो रहे हैं कीड़े कहीं के। मुझे लग रहा है सारा वो कर दिया ना मैंने, इसीलिए स्पॉन होते जा रहे हैं, मतलब जितना ज्यादा बल्ले। एक शॉट में मैंने टॉर्च भी तोड़ ली। अब यार अब मैं काम करता हूँ, ये देखो भाई ये तो खत्म होने वाले नहीं है। यार एक इलाका चुनू और यहाँ से बस माइनिंग करना शुरू कर दो, जो जो सामान मिल रहा है ना सारा कुछ लेके जाऊंगा इधर से। सबसे ज्यादा मुझे जरूरत है इस समय लैपिस लाजुली, क्योंकि उसके बगैर मेरे को फॉर्च्यून मिल नहीं सकता, और अगर मेरे को फॉर्च्यून उसके बगैर नहीं मिल सकता यार। 5 है लैपिस लाजुली, 5 है ना मेरे पास। 27, अरे भाई ये कैसे हो गया, एक तोड़ने से ज्यादा मिलते हैं। 27 तो नहीं मैं तोड़े, मैं 100% शुरू, मैंने भाई 27 नहीं तोड़े। मैं तो कोल की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है यार, आपको क्या करना, खाना वगैरह पकाना होता है भाई, क्या कर देंगे आप। अच्छे से टॉर्चेस भरते जाओ ना, बस पेड़ फूल रखो और एक बार मैं देख लू सारा। ये तो भाई गया टूटते भाई बिल्कुल भी,
एक क्रीपर होता और बस यही होती है। देखो ये जो नीचे है ना, मैंने इसीलिए लगाई है ताकि मुझे पता चलता रहे कि कोई चीज आ रही है कि नहीं, क्योंकि यार अरे 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 स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इधर स्ट्रॉन्ग होल्ड है, इधर क्या बाबू बाबू, बस मैं इनको नहीं कंट्रोल कर सकता भाई। भाई मेरे बस में नहीं है भाई, इतने सारे हैं ना ये, मैं आपको क्या बताऊं भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये मुझे 2 सेकंड नहीं लगाएंगे मारने में, मैं आपको भी कह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ भैया ऊपर चलते हैं एक बार, फिर नीचे आ जाएंगे, क्या ही कर लेंगे मारने। कितने हैं यार, अरे 380 तो हमारा है ही है यार, 90 है, 90 कैसे होगा पूरा, 90 कैसे जाऊंगा, इस साइड में जाना है तो 380 मेरा है, 390 समझ आओ, बस इस डायरेक्शन में जाना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ 90 ब्लॉक्स कूद के जाऊँ के ऊपर डायरेक्ट कूद, मैं कहता हूँ 90 ब्लॉक्स कूद के जाओ भाई, जो काम करने हैं कम से कम एक बार तो करो वो काम भाई, बहुत दिमाग खराब हो रहा है आदमी भाई। शील्ड सच्ची बहुत उपयोगी आइटम है गेम की, पर कुछ ना सही, कम से कम गोली सही यार, गोली सही यार। मुझे लावा की बहुत खतरनाक लेवल वाली आवाज आ रही है, बहुत सारा लावा है भाई। आज मैं 3-4 बार है मैं मरते हुए बचा, मतलब लिटरली मरते मरते बचा, मेरा भी हाथ बैठा नहीं है इधर क्या नाम है कंट्रोल से, और सब इसीलिए हो रहा है, सब कुछ इसीलिए हो रहा है, मेरा हाथ भी बैठा नहीं है कंट्रोल से अच्छे को। मैं जब भागना पीछे को चाहता हूँ पता नहीं यार मैं क्या ही करना शुरू कर देता हूँ। ये भी बोल अरे वाह, पिकैक्स भी हमारा 7-6 हो चुकी है, और हमने बनानी है पिकैक्स। मैं क्राफ्टिंग टेबल ले आया, सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने की ना क्राफ्टिंग टेबल ले आया यार। वैसे मैं सोच रहा था कि यार अपना काम करूंगा, स्ट्रिप माइन करूंगा भाई, डायमंड्स लेके आएंगे, पता नहीं यार क्या ही करना शुरू हो गया मैं, अंदर आई एक गुफा और बस भाई मैं हो गया शुरू, मैं तो गुफा ही नहीं, चलो गुफा में गए ही नहीं, पता नहीं बता पर कौन से हाइट पे हूँ यार मैं भाई, 7 पे अभी मैं 82 पे हूँ यार, मुझे 90 करने हैं, हो पाएंगे करने पड़ेंगे यार, हो पाएंगे वाली तो बात ही नहीं है। अरे गलत लगा दिया यार, डायमंड हाथ आ जाए यार, क्या है यार ये डायमंड ही नहीं आता रहा। चलो कोई नहीं, हम एक और रास्ता ओपन कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बस ये है कि मुझे जो लग रहा है मैं जिस माइंड में कर रहा हूँ ना माइनिंग, मतलब इतना मैं कर रहा हूँ इधर बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन होने वाले हैं जो मुझे फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने ज्यादातर सारे एरिया को स्पॉन कर दिया, सामने लावा लावा के अंदर तो भाई कुछ पड़ा नहीं हुआ कोई, फिर तूफान और चला दो देखते हूँ खत्म भाई साहब खत्म, इतनी सी थी बस इतनी थी। अरे ये मैंने तोड़ा हुआ, लेकिन मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैंने बनाया नहीं, चलो जो भी है यार जल्दी जल्दी से मैं सारा कुछ माइंड करूँ। रास्ता मेरा एकदम क्लियर है, मैं पता चल चुका है कि नीचे सारा कुछ कैसे है। मैं सोचा था भाई किलो कॉबल स्टोन लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा, मैं कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात है कि थोड़ा सा जो मुझे लगता था ना कि यार डर है गेम खेलने को, वो थोड़ा सा मैं तो यार डर को डर नहीं लगता, कुछ नहीं लगता गेम को, बोलो क्या ही फाड़ लेंगे तो हम दिन हमारा। बस ये है कि फाड़ तो यार लिया था, चाहे जो मर्जी कह लो फाड़ तो लिया था भाई, मार ही देने वाला जी। एक बार स्केलेटन ने बचाया और एक बार हाफ हार्ट पे छोड़ दिया था स्केलेटन। बाकी ये कि डायमंड का आर्मर तगड़ा बहुत है भाई, अभी तक
कहता हूँ हल्का सा डैमेज हुआ, मतलब 10% डैमेज हुआ और 3 क्रीपर फूटे हैं इसके मुंह पे, कुछ नहीं हुआ। इतना मुझे बता अगर आयरन, अरे मैं कोल कलेक्ट नहीं कर पा रहा, फिर एकदम फेंक देता हूँ। स्पाइडर फेंक दो यार, काम की दो थोड़ी की चीज है, बस ये करो और अपना माइनिंग से निकल दो, बस एक और चीज बंद करो। और अभी मेरा क्या है एक्सेस 46, हाफ वे देयर, और थोड़ी देर बाद चेक करता रहूंगा यार और क्या कर सकता हूँ। कोल कितना हो गया बाकी यार भाई, दूसरा दिक्कत ही नहीं होगी, मुझे लग रहा है मैं फिर वो दुकान में आ गया भाई, मैं मरना नहीं चाहता यार बिल्कुल भी, अब मेरा सच्ची नहीं बन कर रहा यार इन दुकान में जाने का, मैं वही गुफा है। तो आयरन दिख रहा है ना शरीर में, काम करो इस पर एफ, बाकी आवाज तो मेरे को आई जाएगी, अभी कोई ना कोई तो आया, फुटस्टेप्स की भी आई जाएगी आवाज यार। जितनी भी जगह छोड़ रहा हूँ ना, मेरे को यहाँ पे टॉर्च जरूर लगानी है, क्योंकि मैंने पूरे एरिया में स्पॉन प्रूफ लगभग कर दिया है, तो अगर जो भी एरिया बचा होगा ना उधर होंगे ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्स, तो ऐसा भाई मैं करना होना नहीं चाहता कि मतलब ऐसा मैं करना नहीं चाहता कि यार मैं बाद में आऊंगा अगली बार और भरा भरा हो इलाका पूरा। तो एकदम शांति सी हो गई है, अभी मुझे पता शांति ज्यादा देर के लिए नहीं है, सिल्वर फिश अगर मुझे दिखे ना भाई सब मुंह तो हो गए मेरा। अब आ रही है भाई ज़ॉम्बीज़ की बात, अब आ गया लगता है साथ में कर रहे एकदम ऐसी बात आ रही, वो आ गया। हेलो भाई शाउट आउट चाहिए, स्केलेटन ऊपर ना हो यार वो दिमाग खाएगा, स्केलेटन चाटेगा दिमाग आके, अरे मैंने बोला था स्केलेटन दिमाग चाटेगा। तुम भाई तुम क्यों है, तू जिंदा क्यों है गेम में, इतनी बेइज्जती यार किस चेहरे नहीं कर। अच्छा मेरे पानी में जम करता भाई, एमएलजी करेगा बेटे मेरा तो हो जा। हाँ तो मेरा पानी, अरे मैं पानी पीता है अपना, तो मुझे याद है भाई टॉर्च इज वेरी वेरी जरूरी। इधर कोई गिरा, कोई तो गिरा। अच्छा बेटे पानी में फंसा है बेटे, तू नहीं मार पाएगा यार, वो एरिया रह रहा है, वो एरिया सच में रह रहा है, उधर कुछ नहीं किया मैंने। डायमंड्स हमें मिल चुके हैं, डायमंड्स भाई मैं सच्ची कह रहा हूँ, आर्मर पे इतनी तगड़ी इंचांटमेंट लगाऊंगा ना इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, मार नहीं पाएंगे भाई मेरे को। एक बस, अरे भाई यार एक डायमंड लिटरली, क्या चीज भेंगो वो भेंगो यार, किस काम की वो, अपने आप बना लूंगा दो बड़े के डोले टूटे यार। अब मैं सोच रहा हूँ अगर आ ही गया हूँ तो लेके ना जाओ सामान सारा, लेकिन सिल्वर फिश ओ लेकिन थैंक यू भाई, एक बार मैं इतनी लेके जाऊँ कि जरूर से ना पड़ा कभी गोल्ड भी चाहिए मेरे को भाई। बस वो जो सिल्वर फिश ने काम किया था ना वो काम करा था, मैं नहीं चाहता यार सिल्वर फिश फिर से मेरे को दिखे, मैं मुंह तक नहीं देखना था तो सिल्वर फिश का से। अब इधर आ रहा है चलो कोई ना कोई स्केलेटन यार, जैसे ही टॉर्च में लगता कम रोशनी है यार अभी भी पूरा, वो देखो एम बोर्ड देखो भाई का कितना तगड़ा है। अरे मैंने कलेक्ट करना था, किधर आ भी गए बेटे, इधर आ भी गए, किधर है तू। अच्छा पिछली बार भी इधर से मार रहा था मैं, तू यार गोल्ड देखा था, गोल्ड किधर गया, गोल्ड का हिस्सा इधर बैठा, किधर है तुम भी, तुम मारे यार बाहर में जाते। अरे मैं आयरन ऑर छोड़ाया यार, मैं चंगा वाला इधर खड़ा हूँ तो तुम अंदर भर मेरे को पानी भाई, बहुत लूट है देखो पानी में, तो ये सब स्पॉन हो नहीं सकते, इनके नहीं चलने वाली पानी में, मैं हूँ किधर अभी। ओ भाई नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं पानी में नहीं, फट जा तू फट जा, फट रे हैं बे, फटने का मौका दे रहा हूँ तेरे को, फट तो थोड़ी क्या आदमी भाई, भर भर के टॉर्चेस लगा दे, भर भर के, अगली बार स्पॉन ही ना हो, कोल लेके जाऊं कि ना यार, वैसे तो काफी है मैं तो बहुत देर चल जाएगा, बस यह मैं जितना आयरन उठा सकता हूँ ना मैं उतना उठाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाद में आयरन की कमी पड़े।
जब तक मैं आयरन फॉर्म नहीं बनाता, क्योंकि आपको मैंने विलेज तो अपना दिखाई दिया था, है ना, है ना, क्या मैं अभी है ना बोले जरा वीडियो कहते जवाब दो। अरे स्टोरेज खत्म हो गई, इतना लूट उठा लिया मैंने। अरे इसकी जगह रखूँ यार, स्ट्रिंग में भेजना नहीं चाहता, स्ट्रिंग तो बाहर में है, स्ट्रिंग का मिलती रहती भाई। टोल भी ले चलो यार, मुँह के सामने पड़ा है, अगले दिन मैं फिर आ जाऊँगा, मैं इनमें फिर आके क्रीपर फूटेगा मेरे मुँह पे, फिर मेरा दिमाग खराब होगा, इसलिए आज ही कर लो। बस ये है कि कलेक्ट हो जाए सारा, बहुत सारा भाई, बहुत सारा इधर इधर सारा खाली हो गया। वो आयरन वहाँ पड़ा, गोल्ड और पड़ा, नहीं ये विकेट्स गई है किसी काम के लिए, बस मैंने बोला साथ ही गई। आयरन 42 भी पड़ा, बहुत आयरन पड़ा मेरे पास भाई, तुम कलेक्ट हो जाएगा भाई, तुम ज़्यादा जरूरी हो। कोई नहीं भाई, धीरे धीरे मैं भी बनूंगा प्रो इस गेम में, मैं छोड़ूंगा सभी का, मजाक कर रहा हूँ यार। यार वैसे मुझे गेम के बारे में ज़्यादातर हर एक चीज़ पता है, लेकिन यार कंट्रोल से मेरा हाथ नहीं बैठा। मैं पहले फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गेम खेलता हूँ, लेकिन यार एक प्रॉब्लम और है, वो था बेडरॉक एडिशन, और ये है कौन सा वाला, ये जावा है ना, तो जावा में और बेडरॉक में फ़र्क तो होता ही है ना भाई। और जावा में बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन होते हैं, ये मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा भाई। उसमें बेडरॉक में अपना वर्ल्ड बनाओ भाई, कितने कितने मॉब स्पॉन, बहुत कम, और इधर उधर तो भाई रुकते ही नहीं है स्पॉन होने से। अब अगर मैं ये छेद छोड़ जाऊँ ना, मुझे पता है इस छेद में 2 क्रीपर खड़े होंगे जब मैं अगली बार आऊँ। खाली कर दिया ना, तो टॉर्चेस देखो भाई किस कैसे लगाई है, कोई नहीं आया, पोल तो बहुत सारा है, लकड़ियाँ तो भाई उगती रहते जितनी मर्जी उगा लो। इसे टॉर्चेस कैसे, ओ क्रीपर बेटे और तो नहीं है, इतना लंबा साउंड इफेक्ट है ना क्रीपर का। अरे यार बेटे तुम मेरे को तंग मत कर बेटे प्लीज, तुम दोनों नीचे जा रहे हो ना, आप तुम्हारी मैं तुम्हारा कुत्ता बनाता हूँ। किधर है दूसरा, किधर है बेटे, बहुत तंग करके रखा तुमने मेरे को। मैं ऊपर गया यार घूम के, फिर मुझे नीचे आना पड़ा। अरे चलो एक शॉर्टकट तो पता चला कि मैं, अरे मैं सबसे पहले टॉर्चेस रखूँ, बस टॉर्चेस खत्म। बट अरे भाई खत्म नहीं पड़ी है यार, बीस इसको भाई को मैं कहता हूँ थोड़ी सी और टॉर्चेस बना लो। कोल तो भाई बहुत पड़ा है मेरे पास, शिफ्ट और ये बस कोल तो मिलता रहेगा, क्योंकि यार मैं नहीं जाता बार बार भाई गेड़ियाँ मारते रहूँ टॉर्चेस बनाते रहूँ। ऊपर जा बे, अरे आयरन नहीं। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना नुद्दा क्यों हूं मैं, अब ये किससे मारा मेरे को, तू आ जा कर ले बेटे, तू लड़ ले। ऑप्टिमम का एक फायदा होता है, लाइट जगती रहती है ना, दिखता रहता है ये क्या चल रहा है। अरे बहुत बड़ी गुफा है, मुझे नहीं लगता यार ये खत्म होगी भाई, खत्म होगी बोला, खत्म होगी क्या सच में, खत्म होगी बोला, खत्म होगी क्या, वाह भाई वाह भाई। मुझे पता है गोल्ड का आर्मर कैसे काम करने होता है, लेकिन यार मैं बनाऊंगा मेरी शो यार, हम नहीं मजा कर ले, दिमाग खराब है फिर, इधर भी दबा के आता है। ये तो यार बहुत ही खुला है यार, अरे फिर उधर रोशनी आ रही है, रोशनी तू आ जा क्रीपर, ज़ॉम्बी विलेजर, मतलब यहाँ पे सच में खतरा है, मैंने यार जाना ही नहीं है, मेरे पास इतना कुछ है क्या बताऊँ। आ रहा है ना, आ रहा है तो आ रहा है, आ रहा है, ले अब आ जा बेटे अब आ जा, तो फिर हो गया मेरा, मैं दिमाग खराब हो गया और करना ही नहीं चाहता भाई, इससे ज्यादा कितने लूट लेगा मैं अपने लूट उठाऊ और मैं जाऊँ भाई। मेरा मेन मकसद वैसे पूल लेके जाना भी है, मैं चाहता हूँ इतना पूल हो, इतना पूल हो कि भाई जरूरत ही ना पड़े कभी। किधर से आ जाएगी आवाजें, किधर है तू, नहीं जगह ना आ गया मैंने, बस ये भी मरने वाले हैं पूरे भाई, बस मर ही गए हैं। कितना आयरन और अबे आयरन और तो कितना सारा हो गया भाई, इतना आयरन, मैं तो टॉर्च लगाऊंगा साथ ही ग्रेवर नीचे आ जाएगी, ऊपर से ना खुल जाए बस गुफा।
कितना दिमाग खराब करता है बेबी ज़ॉम्बी। अरे कोल तो देखो भाई, इतना कोल है सर के ऊपर। नहीं ना, मैं ना सबसे पहले इसको गिराना चाहूंगा। अरे तू गिर जा। अरे हाँ, ये करना चाहता था मैं। अरे अरे अरे, आ गया आ गया, बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। ये बच्चे तो पहले बता दे, तुम लड़ना है मेरे से कि क्या करना है तुम्हें? पहले बच्चा है, फिर बच्चे का डैडी है, लेकिन मर तो दोनों गए एट द एंड। अब लगाओ टॉर्च भाई, आराम से माइनिंग करने का मजा आता है। ये कीड़े कहीं के इतना दिमाग खाते हैं, इतना दिमाग खाते हैं, क्या होता हूँ मैं नहीं उठाने लगा भाई। ओ नहीं 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 भाई भाई भाई, तू कचरा कर देता है हर बार आके भाई। देख लिया भाई, पीछे से पीछे पड़ा। अरे कोल तोड़ दिया भाई, क्रीपर ने मेरा। क्या मैंने तोड़ा भाई? मुंह में स्पॉन हो रहे हैं एकदम मुंह के। यार अब मेरा नहीं यार इतना मन कोल लेके जाने का, यार क्या ही कर लूंगा मैं इतने कोल का। ओ भाई ये क्या है, आर्मी आगे भाई, जा रहा हूँ मैं इधर से। क्या यार मेरे कोऑर्डिनेट्स इधर को कम हो रहे हैं ना, मुझे इस साइड को जाना है। और वन पे तो मैं हूँ एकदम, इधर को कम हो रहे हैं कोऑर्डिनेट्स मेरे। वन पे जाने के लिए मुझे जाना है इधर, एकदम इधर 40 ब्लॉक जाना है। और मैं पता क्यों नहीं जा रहा आपको, मैं दिखा देता हूँ मेरी वजह क्या है। ये देखो भाई, ये देखो, क्रीपर को मार, मुझे सीढ़ी मिलेगी। मार 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 भाई, मुझे डिस्क चाहिए। तेरा मकसद खत्म है, पहाड़ में जाओ तुम। यार वैसे मुझे सीढ़ी मिली कि नहीं मिली मुझे नहीं पता यार, नीचे ना चली गई हो। अरे नीचे तो तेरे को लावा में जा। ओ मिल गई म्यूजिक डिस्क, मिल गई कैट भाई। अब हम यहाँ से आए थे ना, और यहाँ से चले जाएंगे बस, यहीं से आया था मैं कहीं से। क्या कोऑर्डिनेट्स है भाई? यार मैं सोच रहा था बहुत तगड़ी चीजें मिलेंगी आज के एपिसोड में, बहुत कुछ अच्छा अच्छा मिलेगा माइनिंग करने अगर जाऊंगा। पता नहीं भाई क्या क्या मिल जाएगा। वन आ गया, रे आ गया। चलो भाई अब घर चले, करना ही क्या। एक बार ना घर जाके मैं सामान देखूंगा भाई, तो ना सामान उठाया ना इतना यार। और ना एक मैंने अब बनाना है अपना सबसे पहले काउ फार्म। अब तो मैं बता देता हूँ कि बनाना चाहता हूँ मैं, बताऊँ क्योंकि यार लेदर की हमारे पास है कमी। अगर मेरे पास हो जाएगा ना लेदर तो भाई, बारिश हो गई, अगर मेरे पास हो जाएगा ना लेदर तो यार मेरे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा और ज्यादा बुक्स बनाने का। और अगर मैं और ज्यादा बुक्स बना लूंगा ना तो फिर तो यार हो गया, हाँ फिर हम वो बना पाएंगे बुकशेल्फ्स। बुकशेल्फ्स बनाने के बाद हमारा एन्चेंटमेंट टेबल और अच्छा काम करेगा, बना के रख रहे हैं। अरे यार घर को अच्छा करने का मैं सोच रहा था, घर अच्छा करूँ तो सबसे पहले जाके बारिश में सो जाऊँ। अरे हट जा बारिश, फिर सो जाऊँ, हट जा। चलो यार कितनी देर बाद हम फिर से आए हैं ऊपर, और हमारी फसल अभी तक नहीं हुई। यार इसको तो मैं मार के आऊंगा, ये बहुत दिमाग खराब करता है, ये तो छुपा हुआ है। अरे दो गड़ी के कारण तेरी इतना दिमाग खराब करता ना तो। और ऊपर मुझे एक चीज और दिखी थी एडी, अरे छोटा स्वेटर में काला। अरे मैं बैठ गया पहले तो यार, मैं बैठ नहीं करता ना यार। मैं सोच रहा यार विलेज वाला काम मैं बाद में ही करूँ, क्योंकि यार फिर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है मुझे भी पता। वो रहा ना एक, तुम बैठे उधर रुक जरा, मैं अभी आ रहा हूँ। मतलब वही है ना, मैंने देख तो दू वही है। तो पिछली बार भी इधर ही तूने मौज कराई थी है ना। आ गया स्वाद, आ गया स्वाद तलवार से गन्ने काटते हुए। मुझे पता यार स्टोरेज बिल्कुल है नहीं, मुझे अंदर सामान रखना चाहिए। और मैं यहाँ पे बाहर आके पता नहीं क्या कर रहा, बाद में आके दिखाऊंगा इनको। अभी आता हूँ यार। वैसे एक बात है, ये एरिया काटने के बाद कबूल इधर ही है भाई, काटने के बाद यार सुंदर दिख रहा है। एक बात और है, और मैं काम करूंगा धीरे धीरे यार, इसकी ये निकाल के इसकी जगह डर्ट लगा दूंगा। बहुत बकवास मुझे लगा है, बहुत बकवास है। और यार ब्रेड बहुत ज्यादा काम की चीज है। अब यार सामान थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है हमने। म्यूजिक डिस्क है हमारे पास, ट्यूब बॉक्स में बनाऊंगा नहीं, और वैसे भी मुझे कॉर्पोरेट का डर है। डायमंड्स कितने हो गए हमारे पास, डायमंड सारे हो गए? हाँ यार एक डायमंड मिला बस, तुम मान सकते हो यार एक डायमंड बस। और अब तो यार कुत्तों की बारिश कर दूंगा, इतने कुत्ते हो जाएंगे उनके बाद उनको मीट खिला खिला अपने आप मिलते रहेंगे। अब यार एक मैं सोच रहा हूँ सेपरेट चेस्ट बनाऊ जिसमें मैं सामान रखूँ जो जो मैं लेके आया हूँ, ताकि मुझे पता रहे। और अब हम क्या लेके आए थे, हमने बनाने थे चेस्ट इसी के ऊपर। वैसे यार मैं तो जरूरत क्या है यार इस चेस्ट की, मेरे पास आया तो है
कोई नहीं यार, बन गई है, एक और बना के ले यार, टेंशन लेने वाली बात की जरूरत ही नहीं है। चलो भाई अब मैं सोच रहा हूँ इस चेस्ट में सारा सामान डालूँ। आयरन कितना है? इतना आयरन, इतना, और इधर ये, इधर डायमंड, इधर ये, और ये है हमारा लैपिस लाजुली। कोल भी कितना सारा यार, बहुत सारा कोल, बहुत सारा रेड स्टोन है यार। मैंने ना थोड़ा बहुत सारा था लेकिन यार उठाया नहीं मैंने, सबसे बड़ी गलती मेरी यही थी। मैंने ये भी शीट्स भी बहुत सारी बना के रख ली है यार, पड़ती रहती है शीट्स, बहुत काम की चीज है। और ये है हमारी सबसे पहली वाली शीट जिसका आप देख सकते हो मैंने कुत्ता बना के उसे रख दिया अंदर। आयरन तो ये अपना वाला है, कॉबल स्टोन में मेन लेने गया था ना, आप देख लो भाई इससे ज्यादा बेइज्जती वाली क्या बात है। मैं मेन कॉबल स्टोन लेने गया था और लेके मैं कितना आया, दो स्टैक भाई, इससे ज्यादा तो मैं कोल ले आया हूँ, इससे ज्यादा मैं आयरन, इसके जितना ही आयरन लेके आया हूँ। पर ये भी काम की चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। भाई मुझे पता है कल का दिन मैंने कितनी दौड़ काटी है, दिमाग खराब हो गया। आ गया प्रिंट, बस प्रिंट आ गया ना, तू अंदर बैठ, इसको इधर नहीं रखूंगा यार, कचरे वाले चेस्ट में डालो, क्या कचरा है ये। अरे कम हो जाता है एक, अगर फ्लिंट मिले तो एक ग्रेवल कम हो जाता है भाई, ये क्या है सिस्टम इसका। मैं ग्रेनाइट का मैं पूरी होता हूँ, क्या हो सकता है, पॉलिश ग्रेनाइट, तीन बच गए यार, तीन इसका शायद कितने बन जाएंगे, 24 बन गए। बहुत ज्यादा काम की चीज है, मतलब काम की चीज नहीं, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है स्टैटिकली, और देख सकते हैं क्या है, बहुत सुंदर होगा। लेकिन अभी के लिए इसको स्टोर करके रख लेंगे, तो घर में लगाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे मेरे पास और भी पड़ा है, बाहर से भी तोड़ कर ले आता हूँ अगर होगा तो, मुझे लग रहा है कि है। एक स्टैक से तो ज्यादा हो गया यार, मुझे लग रहा है यार मैं कॉबलस्टोन से ज्यादा इसको ऐसे ही माइंड कर लूंगा इतने से टाइम में। भाई गई भी बस, और मैं वो लेना चाहता हूँ, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, काम करते हैं मुझे पहले पानी लेना पड़ेगा सारा कुछ। अरे पानी तो उठा लेते भाई, और चीज इधर लगा के छोड़ूंगा यार, बाद में पता चले घर के अंदर क्रीपर्स स्पॉन है बड़े। चलो जो भी है, अब ये जो बचा था एक ही। अरे अरे मेहमान जी और इधर आए, इतना बड़ा कष्ट किया आपने, लो हम ही मार देते तुमको। अरे इनको मरते हुए देख कितना ही आनंद मिलता है, आनंद। ओ यार मुझे याद आया, मैंने अपने गन्ने काटे थे और अभी तक तो भाई हो गया और डिस्पन हो गया कांड। चलो यार ये तो सारा उग ही गया, थोड़े से रह गए हैं, इनको काट देता हूँ से। चलो यार ये तो हमने सारा का सारा लगा लिया, अब हमारे जो नेक्स्ट काम है ना वो है बस एक गाय। हाँ एक गाय तो यार मैं लेके आना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले यार फेंस तो लगी होनी चाहिए ना, उसके बगैर गाय भी कहेगी भाई गरीब पहले घर तो बना ले, गाय भी बेइज्जती कर देगी यार, क्या फायदा। देखो इधर मैं इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी इस एरिया को मैंने करना है रिपेयर, मैं सोच रहा हूँ इस साइड बनाऊ सही रहेगा यार इस साइड। चलो यार अब गाय ड्राइव करनी है हमने, गाय लेके आनी है। आजू 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 आजू, बहुत खिलाओ बनाऊंगा, कैसे टांगे मैच करते हैं, डांस करते हैं। आजू आजू आजू, इधर आजो इधर आजो आजो, अंदर अंदर आ जा, इधर से आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाता हूँ इधर और मैं करता हूँ तुम्हें बंद, अंदर ही करो भाई, ऐसे नहीं मैं मटने को छोड़ता, बच्चे बच्चे पैदा करो भाई एक बार यार, रात हो गए। चलो दी पैरट्स एंड दी बैट्स जो भी है हमारा पूरा हो गया। बुक शेल्स मैं बना ना तो मैं बनाने को मैं अभी बनाऊँ बुक शेल्स, लेकिन यार मैं अभी मेरा घर अभी बना नहीं ना परफेक्ट, तो इसलिए मैं रखना नहीं चाहता। लेकिन यार एक चीज तो हम कर सकते हैं, वैसे इंचैंटमेंट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। 29 लेवल है ना, और करो भाई लेवल्स और बढ़ाओ। यहाँ से हम एंटर साइन लेने गए थे, देखो भाई मैं इतना गरीब हूँ, मेरे घर में खड्डा है, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ दो गाय हैं और एक छोटा सा बच्चा सा, मतलब क्या चीज है, मैं इतना गरीब हूँ कि ये तो मत ही बोल रही गाइस, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास सिर्फ डर्ट ही डर्ट है, और ये खोलने वाली चीज नहीं होती गाइस, मैं इतना गरीब हूँ कि मैं ये खाता हूँ, ये तो बस ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, मैं बहुत गरीब हूँ तो मेरे पता। चलो यार मुझे आप साइड में रखते हैं, ये भी रेयर आइटम है, एक काम करता हूँ मैं, मेरे को ब्रेड बनानी है बहुत सारी,
खाने की नॉनवेज यार क्या ही कर लेंगे नॉनवेज पे, इकट्ठा करने में टाइम बहुत लगा। वैसे भी हमने विलेज तो यार अपने चले जाना, आपको बताइए एकदम आपको विलेज में दिखा चुका हूँ। चलो भाई 46 मिनट हो चुके, काफ़ी है मान लो। और गायों की तो बड़ी नहीं होगी, मतलब तीन आ गई ना बस, अभी मल्टीप्लाई होता रहेगा सारा। चलो भाई हमारे तो एकदम साथ ही में तालाब है। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपको किसी और एक्साइटिंग वीडियो में। पर आप बस मुझे ये बता देना कि अरे ये क्या है भैया, क्या है ये? चलो जो भी है हमने लगा दिया इसको, फिशिंग मॉडम कर रहे हैं फिशिंग। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। और घर मैं अभी इसीलिए नहीं बना रहा क्योंकि यार मैं आपको वजह बता चुका हूँ, मैं घर अच्छा बनाना चाहता हूँ। अभी मेरे पास सामान पूरा नहीं है, आप देख सकते हो कॉबलस्टोन मेरे पास नहीं है। मैं यार AFK कॉबलस्टोन फार्म बनाऊंगा लावा वाला, और उधर जाके मैं AFK माइनिंग करूंगा और अच्छे से मैं माइनिंग करूंगा। मतलब उधर तो बस मैंने AFK खड़े रहना है, F3 दबा के आपको पता ही है, F3B दबा के, और वो अपने आप होता रहेगा माइनिंग, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको तो पता ही है यार मैंने बहुत सारा कॉबलस्टोन में कुछ किया, मैं बहुत अच्छा घर बनाना चाहता हूँ। तो गाइस अब मुझे बस इतना बता देना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे साथ कोलैब करना चाहते हो डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ जाओ ना यार। आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे आते तो, लेकिन यार मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते भाई, तो खुद ही नहीं यार ऑनलाइन ही नहीं आते यार, ऑनलाइन तो आओ। तो और गाइस मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो को इधर एंड करते हैं। और आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया, मतलब बनाया हमने कुछ नहीं, लेकिन हम माइन वगैरह में जाके आए, हमने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं। और आज की वीडियो को मैं सोच रहा हूँ इधर ही एंड करते हैं। तो गाइस अब मैं मिलूंगा आपको किसी और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अच्छी वीडियो।